अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं उमर व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक वादी, वादी नारान। मेरा ये सफ़र इस्लामाबाद से शुरू हुआ था, इस्लामाबाद से बालाकोट और बालाकोट से नारान। इस सीरीज़ में हमने कवर की हैं केवाई वाटरफॉल, शोग्रान, सीरी पाए, जिसकी वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जाएंगे नारान और आप इसके खूबसूरत रस्ते और नज़ारे से लुत्फानंदोज़ हों। बुलंदोबाला पहाड़ और पहाड़ों के दरमियान बहता दरिया कुनहार बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। यह सियाहों की सबसे मसरूफ़ तरीन सड़क समझी जाती है बालाकोट से नारान की। इस रीजन के तमाम खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट आपको इसी रोड पे मिल जाएंगे। इस रोड पे सफ़र करते बालाकोट से नारान तक मुकम्मल सफ़र में दरिया कुनहार आपके हमरा सफ़र करेगा। दरिया कुनहार की मौजें कभी आपको दिखाई देंगी और कभी शोर से अपने होने का एहसास दिलाएंगी। इस सफ़र में दरिया कुनहार कहीं तो एक छोटे से नाले का शक्ल धारेगा और कहीं एक मौजू में बहता दरिया बन जाएगा। इस रास्ते की ग्रीनरी खूबसूरती आप देख सकते हैं, बुलंदोबाला पहाड़ और पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत रोड और पहाड़ों के ऊपर चलगुजे के जंगल, दिलों पर सहर तारी करने वाली वादियां और खूबसूरत दरिया कुनहार पर बने ब्रिज, जिसे क्रॉस करते हुए हम रवा दवा हैं अपने नारान के सफ़र के लिए। और जिन दोस्तों का सवाल होता है कि हम नारान किस तरह पहुंच सकते हैं, उनके लिए खसूसी मालूमात। इस्लामाबाद से आप अपनी प्राइवेट कार भी बुक कर सकते हैं, जो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये में बुक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सफ़र करना चाहते हैं लोकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो आपको इस्लामाबाद से मानसेरा या बालाकोट आना पड़ेगा और बालाकोट से फिर कागान। इस्लामाबाद से बालाकोट का किराया तकरीबन 400 रुपया और बालाकोट से नारान तक का सफ़र तकरीबन आपको 600 से 700 रुपये में आपका सफ़र तय हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। आपको बालाकोट से इजी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं दरिया कुनहार की खूबसूरत मौजें और एक खूबसूरत रोड और बुलंदा वाला पहाड़। ये हैं खूबसूरत रस्ते वादिय नारान के। कभी पहले मरी को एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट समझा जाता था और बहुत सारे सियाह ज़्यादातर मरी का रुख करते थे। अभी भी मरी में बहुत से सियाह जाते हैं, पर अब ज़्यादा लोगों का रुझान नारान और कागान की वादियों की तरफ हो चुका है। तो चलें इन खूबसूरत वादियों के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा और मुलाहजा फरमाएं इन वादियों का खूबसूरत सफ़र। कहीं बादल पहाड़ों से नीचे और कहीं बर्फ़ पोश पहाड़ आपको इस रास्ते में दिखाई देंगे। कहीं दरिया कुनहार के खूबसूरत नज़ारे और कहीं ट्राउट फिश के फार्म इस रास्ते में आपके मुंतज़िर होंगे। तो चलते हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र की तरफ आगे। मेरे दोस्तों, आप सामने स्क्रीन पर दरिया कुनहार का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इस पॉइंट पर दरिया कुनहार बहुत खूबसूरती से बह रहा था। इस पॉइंट से पे थोड़ी देर हम रुके और आपको ये सामने दिखा रहा हूँ ज़िंदा ट्राउट फिश का फार्म। दरिया कुनहार के ऊपर बहुत से फ़िश फार्म्स भी मौजूद हैं और दरिया कुनहार ख़ुद भी ट्राउट फिश से भरा हुआ है। इस इलाके में अगर आप आएँ तो आप दरिया कुनहार की ट्राउट फिश भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप फार्म की ट्राउट फिश भी खाना चाहें तो ताज़ा फार्म की ट्राउट फिश भी इंजॉय कर सकते हैं। रास्ते इंतहाई खूबसूरत हैं, दिलों पर सहर तारी करने वाले। आएं एक्सप्लोर करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left.
number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. बिलाहर इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुँचे वादी नारान। वादी नारान का इस्लामाबाद से मसाफत तकरीबन 292 किलोमीटर की है, जो कि तकरीबन हमने 6 घंटे में तय की। अगर आप बालाकोट से नारान आना चाहते हैं तो ये आपका सफ़र तकरीबन 92 किलोमीटर का होगा, जो आप 2 से 2.5 घंटे में बआसानी तय कर सकते हैं। इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं वादी नारान में, जो कि बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत वादी मौजूद है। हज़ारों सियाह इस वादी का रुख करते हैं। इस वादी में बहुत खूबसूरत होटल्स, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स आपके मुंतज़िर होंगे। अगर आप सियाह की घर से आते हैं और होटल में रहना चाहते हैं तो होटल का किराया तकरीबन 3,000 से 25,000 तक जाता है। ये स्टार के हिसाब से 5 स्टार 7 स्टार तक होटल नारान में मौजूद हैं। 3,000 वाले कमरे में भी आप 4 लोग बआसानी रह सकते हैं, जिसमें 3 बेड और 1 मैट्रेस के साथ आपको रूम दस्तयाब होगी। आए चलते हैं, नारान का मेन रोड देखते हैं और नारान शहर एक्सप्लोर करते हैं और नारान का बाज़ार देखते हैं। नारान के इस खूबसूरत बाज़ार में आपको हर तरह का खाना दस्तयाब है। आप जिस तरह का चाहे खाना खा सकते हैं। खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, बेहतरीन होटल्स आपके मुंतज़िर रहेंगे और बहुत से लोग रोड पर खड़े होकर अपने होटल्स की एडवर्टाइजमेंट करते आपको दिखाई देंगे। आप नारान के बाज़ार में मरी की तरह हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी के स्टॉल्स, बेहतरीन शॉपिंग के लिए बेहतरीन दुकानें, हर वो फैसिलिटी जो एक टूरिस्ट के लिए लाजमी होती है, वो आप नारान के बाज़ार में एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। आप देख रहे हैं खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, खूबसूरत इमारतें और ये खूबसूरत नारान का बाज़ार, जिसे देखने हर साल हज़ारों सियाह नारान का रुख करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया है नारान को और नारान के खूबसूरत रास्ते देखे हैं। हमने ट्रैवल किया है इस्लामाबाद से नारान तक। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। तो मेरी नारान में ये चंद खूबसूरत तस्वीर अपनी मेमोरीज़ की ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।